ओम शांति ओम शांति जी ओम शांति भाइयों ओम शांति ओम शांति बहन जी ओम शांति बहन जी ओम शांति आज मम्मा का स्मृति दिवस है आज मम्मा का स्मृति दिवस है आप सब मम्मा की संतान मम्मा के बच्चे हो ना हाँ जी हाँ बहन जी मम्मा के बच्चों को मम्मा के पुत्रों को सबको बहुत बहुत मम्मा की याद देखो फूल लेके आए गोलो गोपाल भाई हाँ थैंक यू मम्मा को अर्पण करो कोई हम अर्पण कर रहे हैं और ये मम्मा के पास ही पहुंच जाएगा बहुत अच्छा थैंक यू और आज कौन कौन आए हैं भाई लोग प्रेजेंट प्लीज करो मैं शंकु भाई प्रेजेंट प्लीज और शांति बहन जी नेक्स्ट भाई ओम शांति बहन जी ओम शांति बहन जी दीप भाई शांति दीप भाई ओम शांति बहन जी तापस भाई दीप भाई ये कौन भाई ऐसे ऐसे करने वाला ये कौन भाई ओम शांति बहन जी शरणदीप रॉय स्वर्णदीप रॉय कहाँ का गुड और कौन है बोलो गोपाल भाई तापस भाई तीप्तनु ऐसे करो ओम शांति ओम शांति और शांति बहन जी सुदीप भाई ओम शांति ओम शांति और नेक्स्ट ओम शांति बहन जी ओमकर भाई ओम शांति और नेक्स्ट ये दिगंत ना कौन बहन जी सहदेव भाई स्वर्णदीप सहदेव भाई ओम शांति ओम शांति बहन जी हाँ हाँ ठीक है ओम शांति नेक्स्ट ओम शांति बहन जी दीपंकर भाई गुड ओम शांति दीपंकर भाई ओम शांति हाँ ये पुराना है बहुत अच्छा इनको रोज रेगुलर रिटर्न होना दीपंकर भाई रेगुलर रिटर्न होना है अच्छा अच्छा ओके ओम शांति दी भक्तोष भाई बोल रहे हैं हाँ बहुत भाई ओम शांति बोलो प्रेजेंट प्लीज बहुत भाई ठीक नेक्स्ट बहन जी ओम शांति कौन है करण भाई जुलेबेरी करण नहीं है बहन जी करण नहीं है कोई बात नहीं साउंड सुनाई दिया हाँ बहन जी साउंड समझ में आ गया हम देख रहे हैं आपको अच्छा अभी इन्हों को देख रहा हूँ और नेक्स्ट ओम शांति बहन जी ओम शांति कौन है परिमल भाई जुलावेरी परिमल भाई कहाँ से परिमल भाई जुलावेरी काठ मिस्त्री परिमल भाई
अच्छा 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 ठीक है ओम शांति ओम शांति दीदी। हाँ ये कौन है प्रकाश भाई? प्रकाश भाई कहाँ का प्रकाश भाई? विशालगढ़। कहाँ का प्रकाश भाई? विशालगढ़ काम था ना। हाँ ठीक है मुझे समझ में आया। और नेक्स्ट ठीक है तो कितने हैं और कितने हैं भाई? अभिजीत भाई गणेश भाई किधर है? गणेश 31 में जी गणेश भाई नहीं है? नहीं है चलो अच्छा तो शुरू करते हैं अभी। बहन जी दीप भाई है, पापलू भाई है, ओम शांति भाई। हाँ पापलू भाई ओम शांति। ओम शांति शांति आदरे कृष्ण छोटो कृष्ण भाई। कहाँ से? बाबर घरे शांति बाजार। शांति बाजार हाँ ठीक है। हमारे पास राकेश भाई जी भी है और सुमित भाई भी जुड़ा हुआ है लाइट हाउस से। सुमित भाई और कौन कौन भाई? डॉक्टर राकेश भाई भी है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति शांति बाजार ठीक है सुमित भाई ठीक है डॉक्टर राकेश भाई ओम शांति। कोथाय आछेन राकेश भाई? घरे घरे ना हॉस्पिटल है? हम जो जाय हम ठीक आछे ठीक आछे। अभी शुरू करते हैं। हां राकेश भाई ओम शांति। अच्छा शांति बहन जी ओम शांति ओम शांति। तो आज है 24 जून। आज हमारी यज्ञ की पहली यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति दिवस है अर्थात तिरोधान तिथि है। 1965 में 24 जून के दिन इसी प्रकार बृहस्पतिवार के दिन मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया था और 1919 में उनका जन्म था। 1919 कहाँ पर जन्म था? अमृतसर में। अमृतसर और 1919 ये सन जब सुनाई देता है तो इतिहास भारत का इतिहास का कोई एक घटना याद आता है। आप लोग को याद आता है किसी को? बहन जी जलियांवाला का जो इंसिडेंट हुआ। यस यस अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अहिंस सेनानी भारतीय जो थे जो ये स्वाधीनता आंदोलन में लगे हुए निरीह लोगों को ब्रिटिश लोगों ने सब गोली से उड़ा दिया था। तो ये वर्ष इस प्रकार से हाहाकार का था और उसी वर्ष उसी स्थान पर मम्मा का जन्म हुआ था अमृतसर में। लेकिन जब बाद में मम्मा का जो परिवार वाले तो वहां थे कराची में थे सिंध प्रदेश वहां चले गए थे। तो मम्मा क्लास 10 में पढ़ती थी तब बाबा के इस ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के तुरंत बाद मम्मा ने इस ज्ञान को एकदम अच्छी तरह समझ लिया। समझ के मम्मा ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया कि स्वयं परमात्मा दुनिया में आ चुके हैं यही सत्य ज्ञान है और परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा बोल रहे हैं इसलिए जो बोल रहे हैं मुझे वही करना है। सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए मुझे अपनी जीवन को सेवा में लगाना है। और
तुरंत मम्मा ने अपने आप को बाबा के सेवा में लगा दिया। देखो मम्मा ने एक दिन में एक रात में डिसीजन लिया, आप लोग को पता है मम्मा की ये घटना, क्योंकि जब मम्मा फर्स्ट ज्ञान में आई तब उनका सगाई हो चुका था। बोला मम्मा एक सेकंड डिसीजन लीजिए बेंजी ना, एक रात्र बाबा टाइम दिए चिलो, तो उनका सगाई हो चुका था। बोला उस समय तो जल्दी जल्दी शादियां होती थी ना, तो सगाई हो चुकी थी, और जिस दिन बाबा के पास आए, ज्ञान सुनाया बाबा ने, और बाबा को मालूम पड़ा, कई और भी कन्याएं आए थे, बाबा को मालूम पड़ा इस कन्या का सगाई हो चुका है, थोड़े दिन में शादी होने वाला है, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको पूछा, बोला कि अच्छा बताओ तो बच्ची, तुम कोट पेंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी श्री कृष्ण से शादी करोगी? तुम ये प्रश्न पूछा बाबा ने, और मम्मा जब चली गई उसने रात भर में अच्छी तरह सोचा, डिसीजन लिया, और दूसरे दिन आकर बताया कि मैं तो कोट पेंट वाले को कैंसिल कर दिया, मैं अभी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण माना, मैं श्री कृष्ण की दुनिया में चलूंगी, देवी दुनिया में जाऊंगी, और मैं ऐसी देवी बनूंगी, मैं त्यागी तपस्वी पवित्र जीवन जीऊंगी। एक रात में डिसीजन ले लिया, और उस दिन के बाद से मम्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और घर वालों को बता दिया अपना डिसीजन, बस शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो इसके लिए भी कितना साहस चाहिए कि नहीं चाहिए? साहस चाहिए ना। हाँ, बाकी तो मम्मा की कहानी आप सबने सुना ही है। मम्मा की सबसे बड़ी बात थी प्रखर बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, ट्रांसपेरेंट बुद्धि थी, क्योंकि पवित्रता का बल उनके पास बहुत था। मम्मा के मन में कभी व्यर्थ संकल्प चलता ही नहीं था। बोला मम्मा ने किसी का अवगुण देखा ही नहीं, बोला दुर्गुण देखा ही नहीं। स्पष्ट बुद्धि थी, स्वच्छ बुद्धि थी, ट्रांसपेरेंट बुद्धि थी, जिसके कारण बाबा के ज्ञान को समझने की कैपेसिटी भी उनके पास प्रखर थी, और बाबा की जब मुरली चलती थी वही मुरली सब लोग सुनते थे, मम्मा भी सुनती थी, लेकिन सुनने के बाद बात को समझना गहराई तक समझ लेती थी, मनन चिंतन करके फिर उसी मुरली के ऊपर बहुत अच्छा क्लास कराती थी और गहराई से इसको एक्सप्लेनेशन करती थी। तो आज के दिन में जो ये जगदम्बा का महावाक्य आया है, क्लास आया है, उसको आज हम सब ने सुना। आप लोगों ने सुना आज की मुरली? जी बहन जी। हाँ बहन जी। मम्मा की वाणी सबने सुना आज? सुना सबने या पढ़ा? पढ़ा है बहन जी। पक्का सबने सुना? जी सुना। अच्छा, तो देखो आज की वाणी में क्या कहा मम्मा ने। सबसे पहले तो जग के नाते इस बात के ऊपर बोला ना, इस दुनिया के नाते सब झूठे हैं, लोग कहते हैं छोड़ दो। तो मम्मा ने ये बात निकाला कि अगर नाते तोड़ने ही हैं तो ये संबंध क्यों बना, दुनिया में संबंध क्यों बना, नाते पत्नी पति बाप बेटा राजा प्रजा आदि अनेक संबंध है ना, तो ये संबंध जो भगवान ने रचे हैं ऐसे कहते हैं ना लोग, तो जो भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। अब मम्मा ने इसको स्पष्ट किया, भगवान ने कौन सा जगत रचा, क्या अभी जो दुखपूर्ण जगत है वो भगवान ने रचा, या भगवान ने सुख वाली दुनिया रचा। तो जो भगवान ने रची वो तो ऐसी दुनिया नहीं थी,
वो दुनिया तो थी सतयुग की दुनिया, जहां पर हर संबंध एक दूसरे को सुख देता था। वो दुनिया भगवान ने रची थी, लेकिन उस दुनिया को धीरे धीरे बिगाड़ा तो किसने? मनुष्यों ने बिगाड़ा ना, दुख की दुनिया बनाया ना, दुख की दुनिया बनाया, दुख में फंसे और भगवान को दोष देते हैं। मम्मा ने कहा भगवान ने ऐसे नहीं कहा था, भगवान ने तो सुख का संबंध था। सुख का संबंध कैसे बनता है? श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। संगम युग में बाबा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप सतयुगी नई दुनिया बनती है। वहाँ बाप बेटा को सुख देता, बेटा बाप को सुख देता, पति पत्नी को सुख देता, पत्नी पति को सुख देता, वहाँ हर कोई भाई 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 बहन एक दूसरे को सुख देते, वहाँ कोई भी किसी को दुख नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्मों से वो बना। श्रेष्ठ कर्म माना संगम युग में बाबा ने जो कर्म करना सिखाया। इस समय के संबंध जो है वो दुख के हैं। तो अब मम्मा कहती है कि इस संबंध के दुनिया के, इस समय के दुनिया के संबंध तो दुख के हैं ही, इसको बाबा कहते हैं इसको छोड़ो। छोड़ो माना क्या? मन से मोह निकालो। इसके लिए बाबा क्या कहते? तुम्हारा जीवन तुम मेरे हवाले करो। अब ये हवाले शब्द के ऊपर इतना अच्छा मम्मा ने समझाया। क्या कहा? हाँ, मेरे हवाले का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं कि इस समय जो तुम्हारा नाता रिश्ता है सब मेरे साथ जोड़ो, तुम्हारा जीवन मेरे हवाले करो। अब मेरे हवाले का मतलब क्या है? तो मम्मा ने बताया, जैसे स्त्री पति के हवाले होती, पति स्त्री के हवाले होता है, बाप बेटे के हवाले होता, बेटा बाप के हवाले होता है। यह तो दुनिया में प्रैक्टिस सबने अच्छी तरह की है ना, दुनिया में तो यही चल रहा है ना। जो बेटा जिस बाप के घर में जन्म लिया, वो जीवन भर उस बाप का बेटा बन के रहेगा ना, तो वो बाप उस बेटा के लिए जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि नहीं रहेगा? सुख में दुख में, उसको खिलाने में, पढ़ाने में, बढ़ाने में, बीमार हुआ तो ट्रीटमेंट करने में। तो बेटा बाप के हवाले हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, फिर बाप जो बूढ़ा हो जाएगा तो वो बाप क्या हो जाता है? बेटा के हवाले होता है। फिर बेटा उसको खिलाता पिलाता देखता, बीमार होने से दवा पानी करता, माना जीवन भर उसको देखभाल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हाथ में है। इसको हवाले कहा जाता है। अभी शादी होता है, कन्या को कहते ये तुम्हारा पति है, अब तुम्हारा जीवन इसके हवाले। माना वो पति है, पति ही उसका गार्जियन बनेगा, वो जो खिलाएगा वही खाना, जैसे बोलेगा वैसे चलना, हवाले हो गया। अब पति भी पत्नी के हवाले हो जाता है, पत्नी जैसे चलाएगी वैसे चलेगा। वो बीमार पड़ेगा तो पत्नी जहां ले जाएगी, जैसा ट्रीटमेंट कराएगी, जो मदद करना है करेगी उसके हवाले। कोई और तो आके छुएगा नहीं उसको ना, उसके हवाले हो गया। तो ये मनुष्य के हवाले होने का तो हर जन्म में हम सबको प्रैक्टिस है ना। तो बाबा कहते हैं, तो मैं कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूँ, जो काम आप लोग करते आए हो वही कह रहा हूँ, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि तुम मेरे हवाले बनो। अभी मेरे हवाले बनो माना क्या? क्या? अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उनके प्रति लगाते हो ना, तो अब मैं कहता हूं कि तुम मेरे बनो, मेरा बन करके फिर ट्रस्टी बनकर संभालो, तुम ही संभालो, लेकिन मालिक मुझे बना दो, तुम मालिक नहीं बनो। समझ में आया? अब आपका घर है, आपका संपत्ति है, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको क्या कर देना? बाबा के हवाले कर देना। माना क्या ना बाबा, इस सब का गार्जियन आप हो, आप जैसे चलाए बाबा, मैंने मन से आपको अर्पण कर दिया।
अर्पण कर दिया बोलने के बाद भी बाबा कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा घर दे दो मैं बोलता हूँ, ये भी नहीं, तुम उसी घर में रहो, उन्हीं माता पिता के साथ रहो, उन्हीं वही नौकरी वही धंधा करो। लेकिन इतना दिन तुम खुद को गार्जियन समझता था, अब मेरे को गार्जियन समझो, और मेरे द्वारा अपॉइंटेड ट्रस्टी समझो अपने आप को। समझ में आया ये बात? अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ट्रस्टी समझने से क्या फायदा? ये बात क्यों बोलता बाबा, क्यों बोलता? ट्रस्टी समझने से क्या फायदा, क्यों बोलता है बाबा ये बात? ट्रस्टी समझने से सब कुछ बाबा के हवाले हो जाता, चाहे सुख हो दुख हो। हम जैसे बच्चे माता पिता की गोद में झूले झूलते हैं, ऐसा लगता। अच्छा, और कोई बताए? ट्रस्टी समझने से कुछ हो जाती है। ट्रस्टी बनने से बाबा के ऊपर जिम्मेवारी देता है। ट्रस्टी बनना माना जिम्मेवारी बाबा को देना। अच्छा, सुदीप भाई ने क्या बोला? ट्रस्टी समझने से बोझ बहुत हल्का हो जाती है। हाँ, ट्रस्टी समझने से क्या होता है कि लाभ लोकसान मालिक का है कि नहीं? लाभ लोकसान मालिक का, ट्रस्टी का नहीं होता है। कल को अगर कुछ नुकसान भी हुआ ना, तो आपको लगेगा ये तो मालिक ही जानता है, वही जाने, उसी को चिंता हुई, मुझे नहीं। लाभ होगा तो भी उसी को खुशी होगी, मुझे नशा या ईगो नहीं आएगा। नहीं तो आज दुनिया में कोई बात में लाभ होता है तो लोगों को ईगो होता है ना। ईगो किसको आता है? जिसने मैं मालिक समझा, और जिसने समझा कि मैं तो मालिक नहीं हूँ, मालिक तो वो है, तो मेरे को ईगो आने का कोई स्थान नहीं है। ना तो मुझे दुख होने का स्थान है, ना तो ईगो आने का स्थान है, ना तो चिंता करने का कोई स्थान है, ना तो दुखी होने का स्थान है। ठीक है बात, हम निश्चिंत हो जाते हैं। ये पॉइंट सबने समझा? जी बहन। बताओ तो भाइयों, सबने समझा ये पॉइंट? जी बहन। अगर नहीं समझा है तो पूछो, ये पॉइंट नहीं समझा है तो पूछो। प्रैक्टिकल में करने का है ये, थ्योरी से तो खाली नहीं है कि नहीं? अच्छा, समझा, सबने समझा? जी बहन जी। अच्छा जी बहन जी, तो क्या होता है, ट्रस्टी बन संभालो। भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? मैं तेरा, लेकिन ऐसे कहने में कहते मैं तेरा, और प्रैक्टिकल में क्या कहते थे? तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही कहते थे। अभी तो मैं तेरा उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा, ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? वो तो ठगी हो गई ना, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले पहले कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, इसलिए धोखा तो तुम ही खा रहे हो। अब बाबा कहता है, देह सहित सबसे बुद्धि हटा करके मेरे से बुद्धि जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा बाबा ने? यहाँ पर मम्मा ने बहुत अच्छी बात कहा, बाबा इस समय कहते हैं कि तुम मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल, अभी मेरे बन जाओ, अभी मेरे बन जाओ, फिर मैं कोई तुम्हारे साथ साथ जन्म जन्म थोड़ी चलूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे। अभी बाबा कहता तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा सब दायित्व ले लूंगा, लेकिन आगे वाले और जन्म में ये बात फिर बाबा बोलेगा?
फिर मौका मिलेगा बाबा को, फिर हमको मौका मिलेगा बाबा के हवाले होने का? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा को हम लोग भूल जाएंगे। तो फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलूंगा, क्योंकि बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बाबा तो परम नाम वापिस चले जाएंगे। फिर आएंगे कब? 5000 वर्ष के बाद आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस, फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चली जाएंगे, चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे अपने आपस में। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। तो बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, क्या बिगड़ा हमारा इस समय? क्या क्या बिगड़ा बताओ, क्या क्या बिगड़ा? बहुत कुछ बिगड़ा ना, संस्कार बिगड़ गए, संस्कार बिगड़ा, और बोलो और क्या बिगड़ा? चलन व्यवहार सब कुछ बदल गया। मन बिगड़ा, वास्तव बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ा, मन बुद्धि, किस्मत बिगड़ गया, पूरा किस्मत बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, किस्मत बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, परिवार में कितना ऊपर नीचे हलचल होता रहता है, स्वास्थ्य बिगड़ गया, धन बिगड़ गया, स्वभाव आदत बिगड़ गई, नेचर बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ा ना। तो बाबा कहते हैं अभी इस जन्म में मैं तुम्हारा बिगड़ी को बनाता हूँ, सुधारता हूँ, फिर तुम सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जन्म जन्म में, हर जन्म में बिगड़ी हुई सुधारने के लिए बाबा नहीं मिलेगा, अभी ही मिला है। अभी ही इसी जन्म में हमें झटपट झटपट बाबा से अपना काम निकाल लेना है। क्या करना? सब चीज बिगड़े हुए को अभी सुधार लेना है। इसलिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सभी क्यों कहता हूँ मेरे बनो, क्यों कहता हूँ मेरे बनो? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो यह युक्ति काम में आए। अब ये देखो, देखो मम्मा के एक एक शब्द ना एकदम पिन पॉइंट जगह पर जाकर लगते हैं। क्या कहा? तुम मेरे बनो। कैसे बनो? प्रैक्टिकल में बनो, थ्योरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली बनो। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाला है। बाबा इतनी सिंपल बात बताते, लेकिन फिर भी बाबा की बातों को समझने वाले, धारण करने वाले कितने थोड़े होते हैं। अच्छा, आगे क्या कहा बाबा ने? इस छोटे से संगम युग में, तुम्हारे देश कॉर्पोरियल दुनिया में मैं आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? यहाँ लाइन लिखा है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। किसके लिए आया है बाबा? सब बच्चों के लिए। हर कोई अपने लिए बोलो, शंकु बोलो, शंकु के लिए आया है। मैं बोलूंगी मेरे लिए आया है, मैं कविता मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है। हर कोई अपना नाम बोलो, मेरे लिए आया, शंकु के लिए आया, भगवान क्यों आया है? हर कोई अपना नाम बोलो, मैं नारू, मेरे लिए, नारू के लिए आया है भगवान, पापलू के लिए आया है, के लिए आया है।
पापलु के लिए आया है। भवतोष भाई बोलो, भगवान भवतोष के लिए आया है, मेरे लिए आया है बाबा। तो कहा कि इस छोटे से संगम युग में इस कॉर्पोरियल दुनिया में रहने वाला बाबा नहीं है, लेकिन आता है वो। क्यों आया है, क्यों आता है? मेरे लिए आया, मेरे लिए आया है। मैं गोपाल, मेरे लिए आता है। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। वो मेरे लिए आया है ना, मेरा दोस्त है ना। जितना टाइम दोस्त यहाँ पर है उतना टाइम उसका ख्याल तो करो, उससे बात करो। उस दिन मैंने एक गाना सुनाया था ना क्लास में, आप लोगों को याद है? आप लोग ने सुना नहीं होगा वो क्लास, पता नहीं, शाम को 5:30 बजे वाला क्लास में ये, ये एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे शंकु ने दिया था ये गाना। ओ, तो, क्या नाम है वो? लता मंगेशकर का गाना है। हाँ सुनो ना, तेरे साथ है। हाँ हाँ हाँ, गाना मैंने पहली बार ही सुना, मैं तो फिल्मी गाना जानती नहीं हूँ। शंकु ने मुझे एक बार दिया था और मैंने उस गाने को सुना, मुझे इतना नशा चढ़ा। वो गाना था देखो, आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, लगात आधी। इतनी सी बात, आगे आगे का क्या शब्द है मुझे पता भी नहीं, मतलब भी नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ बाबा आया, आधा समय, आधा क्या, आधा से ज्यादा टाइम बीत गया, ये रात पूरी हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा तो बाबा भाग जाएगा। हाँ, देखते देखते रात पूरी होने में कितना टाइम लगेगा। हमारा इतना पुराना दोस्त मेरे लिए आया है, मेरे साथ बात करने आया है, और मैं उसको बिठा करके दूसरे से बात कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ। सवेरा होते ही वो तो चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा वो दोस्त को मिलने के लिए, और 5,000 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे कितना पश्चाताप होगा। हाँ, मुझे और भी बात करनी थी, बात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, कितना बात करना है उससे, कितना अच्छी अच्छी भावों का आदान प्रदान करना है, कितना स्नेह का लेन देन करना है, कितना दिल का लेन देन करना है, जो करना है अभी करना है। हाँ, कोई बात आधी ना रह जाए, कोई आशा आधी ना रह जाए, भाग्य बनाने का कोई काम आधा ना रह जाए, इसे थोड़ा जो समय है उसके साथ ही बिताना है। इस बीच में दूसरा कोई कहे मैं आई कम इन, बोलना अभी नहीं, लेटर लेटर ऑन, यू कम टुमारो, अभी मुझे टाइम नहीं दूसरे के साथ बात करने का, अभी मुझे मेरे प्रियतम से बात करना है, क्योंकि वो तो चला जाएगा फिर, मैं तो इस दुनिया में ही घूमता रहूंगा, वो तो दुनिया से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बात मम्मा ने भी आज कहा, इस छोटे से संगम में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध करो, शुद्ध प्योरली उसके उसके काम में लगाओ, उसके साथ बात करने में रहो, शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अब तो थोड़ी मेहनत तो करना है ना, थोड़ी भी करने के लिए हम राजी नहीं है क्या? थोड़ा तो मेहनत करना है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी इस थोड़े समय में क्या करना, कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। बाबा क्या चाहता है, बाबा को क्या पसंद है? पवित्रता। और हम अगर पवित्र रहेंगे उसके बदले में वो क्या क्या देगा,
जो उसको पसंद है उसको मुझे मर मिट करके भी करना है, उसके लिए अगर कोई कष्ट पाना पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ मेहनत करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणा में रहने का पूरा प्रयत्न करो। पवित्र रहने के लिए धारणा के ऊपर ध्यान देना होता है। अगर डे टू डे जीवन की धारणाओं में थोड़ा अगर ढीला बन गए तो न चाहते हुए भी पवित्रता चोरी हो जाएगी, न चाहते हुए। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में यह मेहनत तो कुछ भी नहीं है। जितना मिलता है मेरे से उसकी तुलना में यह मेहनत कुछ भी नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, अरे घी के घड़े मत बनाओ, यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ो इसे, दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया तो अभी जाने ही वाली है। हाँ, दुनिया का चिंता करते हो ना आप लोग, ज्यादातर कुमारों को दुनिया का ही लोकलाज का डर रहता है। हाय हाय, लोकलाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, बंधु बांधव क्या कहेंगे, रिलेटिव लोग क्या कहेंगे, इसी कहने के लज्जा से शर्म से बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलने में पीछे हटते हैं। दुनिया क्या कहेगी, अरे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया वाले को पता है क्या भगवान आया है, समझाए क्या उन्होंने, दुनिया वाले तो ऐसे भी जहन्नम में जाने वाले हैं। आप अच्छा से अच्छा काम करो तो भी आपको छोड़ने वाला है। महात्मा गांधी ने सारा जीवन सेक्रीफाइस किया देश के लिए, फिर भी उसको अच्छा कहने वाले कितने हैं, बुरा कहने वाले भी उतने ही हैं, गोली से मार के उड़ा देने वाले भी निकल गए। तो अच्छा करने वालों को भी निंदा करने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा ही, और बुरा करने से तो उपाय ही नहीं, तो बुरा तो नहीं करना, अच्छा ही करना है, जो बाबा ने कहा वो करना है। बाबा ने कही हुई बात को करने में, पवित्र रहने में दुनिया अगर कुछ कहती है तो कहने दो, क्या करना है दुनिया को दिखाओ, एक्शन दिखाओ, दुनिया को क्या करना है, दुनिया के कहने वालों को क्या करना है, एक्शन दिखाओ, तो कहना है कहने दो, क्या करना है दिखाओ, आप लोग ठेंगा ठेंगा दिखाना है। आजकल मोबाइल में सब भेजते हैं ना, हम सब सुनो, दुनिया क्या कहे इस बात का, कहेगी इस बात का परवाह करने से नहीं चलेगा। दुनिया जो कहेगी कहने दो, अगर मैं सही रास्ते पर चलता हूँ, मैं अगर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ तो दुनिया कुछ भी कहे, अगर दुनिया समझ की कमी के कारण गलत भी कहेगा, एक दिन समय आएगा समझेगा और हमें कहेगा धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ठीक है ना। हमारा पिताजी ने हमको कितना समझाया, हमको कितना माने इस रास्ते से वापस ले जाने के लिए हर प्रकार से मुझे कोशिश किया, लेकिन मैंने सोचा अच्छा ये पिताजी है, पिताजी का तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा, लेकिन पिताजी शिव बाबा की बात नहीं समझ रहा, शिव बाबा तो बड़ा पिताजी है, वो तो त्रिकालदर्शी पिताजी है, ये तो एककालदर्शी पिताजी है, मुझे किसकी बात मानना चाहिए, मुझे शिव बाबा की बात मानने पर ये पिताजी दुखी हो रहा है, तो इसकी दुख के लिए मैं उस पिताजी की बात को अमान्य करूं, नहीं। तो मैंने डिसीजन लिया मुझे बड़े पिताजी की बात को मानना है, ये पिताजी अपनी समझ की कमी के कारण दुखी हो रहा है, ये मेरे कर्मों के कारण दुखी नहीं हो रहा, ये दुख का कारण वो खुद है, उसकी समझ की कमी है, एक दिन समझ में आएगा, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन वो समझेगा कि मेरी ही गलती थी, बेटी की गलती नहीं थी, और वो दिन मैंने देखा, इन आंखों से देखा, जिस दिन समझ में आया उनको बाबा का ज्ञान, उन्होंने इस बात को कन्विंस किया
डायरी में लिखा, सब रिलेटिव के पास जा जा के बोला, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं प्राउड करता हूँ, मेरी बेटी ने जो किया सही किया, मेरा बेटा ने जो किया सही किया, मैं ही गलती में था, ऐसा बोला। तो ये समय आने पर जब वो अज्ञानता के धुंध धुंध में था, तब मेरा मेरे को देखना भी नहीं पसंद करता था, और जब उनका आंख का धुंध मिट गया, मैं सेंटर में रहने लगी, उन्होंने समझा ये सही है। मेरा फोटोग्राफ बंधा के टेबल में रख के रोज धूप धुना करता था। बहन जी, आपका जीवनी हम सब कुमारों के लिए एग्जाम्पल है। तो देखो, सत्यता की राह में चलने पर सारी दुनिया बैरी बन जाए, माँ बाप भी बैरी बन जाए, तो भी बनने दो। दुनिया को क्या दिखाना है? बाबा ने जो कहा मुझे वो करना है। बाबा ने क्या कहा? पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो, घी के घड़े मत बनाओ, माना ख्याली पुलाव, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, काल्पनिक, बहुत कुछ कल्पना नहीं करो। ये कहानी है, एक कभी सुनाऊंगी, मुझे याद दिलाना, मैं कभी सुनाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि अभी बाप कहते हैं वो वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भल करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है, जो जरूरी है वह तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। अभी गृहस्थी के लिए कहता है, तुमने रच लिया है तो उनको छोड़ के तो भाग नहीं सकते, लेकिन कुमारों के लिए क्या कहते बाबा, क्या कहते, रचना रचो बोलते हैं या क्या करते हैं, क्या कहते हैं? तो जो जरूरी है वह तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, क्यों अपना समय फालतू गंवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें मैं बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है, अनेक बहाने अजवात कहाँ की रीति है। फिर बाप कहते हैं, फिर क्या कहते हैं बाप, बाबा आगे बताओ क्या कहा था आज। फिर बाप कहते हैं, देख लेना आगे कौन सी बात बताई बाबा ने, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, मेरा हाथ में हाथ नहीं देते हो, नाक से पकड़, मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले चलूंगा, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आ जाएगा, फिर देख लेना, नाक माना इज्जत आ जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे, इसलिए बाप कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके, अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। फिर आगे समय का ज्ञान देते हुए कहते हैं, अभी 10 गुना फायदा तो गफलत की तो 10 गुना नुकसान। समय जो चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं, जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। कहते भी हैं, जो करता है वो पाता है,
ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो साधारण सिंपल होके रहना है, जैसे तैसे चला देना इस टाइम को, और प्रारब्ध तो वहां भोगना है, वहां हमारे लिए कितना सुख का जीवन वेट कर रहा है बताओ, सोने के महल, सोने का सिंहासन, चारों ओर दास दासियां, चारों ओर सुंदर फुलवाड़ी बगान, सुंदर सतो प्रधान वातावरण, सर्टेन है हम सबको मिलने वाला है, तो वहां जाकर के भोगना, अभी भोगने क्योंकि आशा नहीं रखो, अभी जैसे तैसे साधारण सिंपल मेहनत वाला जीवन ये ठीक है। अभी यहाँ सब खर्चा, अभी यह सब खर्चा, जो खर्चा बचता है उसको क्या करना, दूसरों के कल्याणार्थ यूज करना, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना। बाबा क्या कहता है, अभी तुमको बहुत आराम से रहना, बहुत खर्चा करके रहना, लग्जरियस जीवन जीना, जो कमाते हो सारा अपने लिए खर्च करना, नहीं, अपने लिए सीमित जितना जरूरी खर्च करो, बाकी उसमें से एक एक भाई बचा के सेवा के कार्य में क्या करो, सहयोग करो, क्योंकि वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा होगा, तुम्हारे नाम पर वो जमा होगा, तुम जमा ही नहीं करोगे तो विड्रॉ क्या करोगे। अभी जिसने जमा ही नहीं किया, विड्रॉ करते समय क्या करेगा, क्या विड्रॉ करेगा, बैंक में अकाउंट तो खोला लेकिन कुछ डाला ही नहीं, निकालेगा क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली, अब बताओ है मम्मा की मुरली कितनी स्पष्ट, कितनी प्यार भरी भी थी, शिक्षा भरी भी, सावधान भरी भी थी, नाक से पकड़ के ले जाऊंगा है। अब आप लोग सुनाओ, कितना बजा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई घड़ी वड़ी भी नहीं है यहाँ, क्या बजा है, 8:35 34 34 हाँ 8:34। तो मैं तो पूरा करती हूँ, अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा सुनाओ, आज मम्मा ने क्या कहा, जो बात दिल को लगी अच्छी लगी, जो बात सदा दिल में रहेगी, ऐसी बात सुनाओ। बहन जी, वो जो सबसे अच्छा लगा सिंपल रहना है, सिंपल रहना है, और प्रतिज्ञा जो किया है वो निभाना है बस। बहन जी, आपने लिए कम से कम खर्चा करना है, वर्तमान के लिए कम खर्चा करना, भविष्य के लिए जमा करना, और पवित्रता को जैसे दृढ़ता से पालन करना है, और घी के घड़े नहीं बनाने हैं, और दुनिया को चंगा दिखाना है, अपना जीवन पूरा प्रभु के हवाले करना है, जैसे दोस्त आया है दोस्त के हवाले करना है, क्योंकि थोड़े दिन में तो वो चला जाएगा। हाँ, जो ज्ञान बाबा ने दिया उसको प्रैक्टिकल में लाना है, मन से नहीं, प्रैक्टिकल में सभी चीज। और जो मेरा है वो प्योरिटी में रहना है। राकेश भाई बोलिए, राकेश भाई बोलिए, हम लोग ही रहते हैं, और क्या बोला, अपना मान धन, अपना मान धन, सब कुछ झूठन भाई भी है, देखा झूठन भाई भी है, देखा बोलो
बहन जी अपना सर जी बाप हल्का होना है मतलब रोचना आते तो बाबा था ठीक है सुदीप भाई हैं अपना तन मन धन सब ठीक है और अगर हम सीधी उंगली ना दे तब फिर ना पकड़ के ले जाएगा हमारा दम घुटेगा चलो ठीक है हाँ जी पापा हमारे बीच किसी को अलाउ नहीं है एक्चुअली आप लोग का साउंड मेरे को क्लियर नहीं आ रहा ये बात है अभी आप लोग का डिवाइस में प्रॉब्लम है ना मेरा डिवाइस में प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आया मेरा आवाज ठीक से आया क्लियर साउंड आया हाँ बहुत अच्छा तो थैंक यू बहन जी हाँ जी बहन जी आज आ रहा लिया मैं 1965 जैसा मामा के अंगूर देखकर बहुत अच्छा लगा भेजा था मिला अंगूर मिला कितना खुशी लगा बहन जी कितना खुशी लगा देखकर 1965 जैसा और जो भाई लोग जा सके उनको तो बाबा के घर का भोग भी मिला जिनको नहीं जा सके भोग नहीं मिला तो क्या करें मम्मा ने अंगूर दिया था सबको वो मम्मा का अंगूर बहुत स्पेशल दिन है अगर समझो आप लोग सेंटर में आज नहीं जा सके कोई तो कल अंगूर खरीदना थोड़ा ठीक है थोड़ा अंगूर खरीद के बाबा को अर्पण करना मम्मा को अर्पण करना और मम्मा की याद में खुद खा लेना कल भूख लगाऊंगा अंगूर खरीद के ये फर्स्ट टाइम अंगूर लगा क्या बहन जी हैं पहली बार लगा है अंगूर आरालिया में लगा है ये पैर में है पहली बार लगा है हां पैर में पहली बार ही लगा है अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे भी देखने में मैंने भी देखा है चलो बाबा को याद करके खत्म करो हम बोल रहे ओम शांति ओम शांति गुड नाइट ओम शांति बहन जी ओम शांति बहन जी गुड नाइट शांति थैंक यू बाबा ओम शांति बहन जी थैंक यू ओम शांति शांति गुड नाइट
गुड नाइट बहन जी. ओम शांति. गुड नाइट. ओम शांति बहन जी. गुड नाइट. ओम शांति. गुड नाइट बहन जी. ये कौन भाई है? ओमय भाई. ये कौन भाई है? ओमकार भाई. ओमकार भाई. अच्छा, आज वो भाई नहीं आया. अनुपम भाई नहीं आया. अभिक भाई नहीं आया. बहन जी एक बात मैं बताऊं. मैंने आपकी पिताजी के साथ मधुबन गया था तो मैं उनको मैंने देखा बहुत नजदीक से. ठीक है. ओम शांति. ओम शांति. गुड नाइट. गुड नाइट बाबा. ओम शांति. पिंटू भाई हेलो. ओम शांति पिंटू भाई. ओम शांति पिंटू भाई. सुमित भाई और सत्तू भाई क्या कर रहे हैं? ओम शांति. तुम अपना अनम्यूट करो पहले बोलने से पहले. ओम शांति पिंटू भाई. हाँ बताओ. गाना बोला था ना, वही गा के सुनाओ ना थोड़ा. हो गया तुम्हारा और कुछ है नहीं. गाना का कौन सा गाना था? आधा है चंद्रमा. पिंटू भाई गाओ ना. क्या करते हो? हाँ देख रहा हूँ एकदम चश्मिश. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. चलो चलो अभी टाटा बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. पता सुना